நிம்ம ஓடுகள காக்க தேரே நாள நச்சனா நிம்ம ஓடுகள காக்க. ஹலோ गाइस நமஸ்கார, ஆப் देख रहे हैं सुमन टेक एंड शुभन टेक का एक एक्साइटिंग वीडियो में आपको स्वागत करता हूं. गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 स्मार्टफोन, अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि सितंबर में लॉन्च होने वाले हैं. ऐसे भी अगस्त की महीना काफी कमाल का महीना था. Xiaomi Poco A14 लॉन्च हुआ जो कि 25,000 रुपीस के अंदर काफी कमाल का फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट देखने को मिलता है. तो अगस्त का महीना काफी कमाल का महीना था, लेकिन गाइस सितंबर में भी आपको काफी कमाल का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा. और गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन. अगर ये बात आप जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए. और गाइस बीच में वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस हमारा जो पहला फोन है वो है गाइस Realme 2 Pro. काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है, 15,000 रुपीस के अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाले हैं. ऐसे भी Realme 1 था वो काफी कमाल का वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था. और गाइस 9,000 रुपीस के अंदर आपको Qualcomm MediaTek का Helio P60 चिपसेट देखने को मिलता था. और गाइस Realme 1 का जो सक्सेसर है वो Realme 2 में आपको ज्यादा खास नहीं देखने को मिला. माधव सर ने बोला है कि Realme 1 का सक्सेसर यानी कि आपको Realme 2 Pro में देखने को मिलेगा. तो काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है. Qualcomm Snapdragon 660 या 710 चिपसेट के साथ आएगा. 4GB, 32GB, 6GB, 64GB दो वेरिएंट होगा. 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा होगा. 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा. और गाइस जो बैटरी होगा वो 4500 एमएच की बैटरी होगा. और गाइस जो लॉन्च डेट है वो गाइस अभी तक अनाउंस नहीं किया Realme ने, लेकिन गाइस कंफर्म है कि आपको सितंबर की 28 तारीख को देखने को मिलेगा. और इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बोला है माधव सेठ ने. गाइस हमारा जो नंबर में दूसरा नंबर में जो फोन आता है Honor Play, काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है. और गाइस यहां पे आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा Honor 8X में. तो काफी अच्छी बात है. और जो टेक्नोलॉजी आपको Oppo F9 Pro में देखने को मिला था, सेम यहां पे आपको वाटर ड्रॉप देखने को मिलेगा. गाइस यहां पे आपको Kirin का 710 चिपसेट के साथ आएगा और 7.12 इंच का नॉच के साथ डिस्प्ले होगा. और गाइस काफी बड़ा डिस्प्ले है. Qualcomm Snapdragon 660 के साथ आएगा. 4GB 64GB वेरिएंट होगा, एक ही वेरिएंट होगा. और गाइस 16 प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा होगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा. 4900 एमएच की बैटरी होगी. और गाइस जो लॉन्च डेट है वो गाइस यहां पे आपको सितंबर की 6 तारीख को देखने को मिलेगा. और गाइस जो प्राइस है वो आपको 15 या 16 के आसपास देखने को मिलेगा Honor 8X. गाइस उसके बाद जो फोन है वो गाइस Vivo V11 Pro, काफी कमाल का ये भी स्मार्टफोन होने वाला है. और गाइस ये सिर्फ फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है. गाइस इसके बात कर दो गाइस यहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 660 के साथ ये भी देखने को मिलेगा जो कि 6.41 डिस्प्ले के साथ आएगा. फुल एचडी डिस्प्ले होगा. 6GB 64GB वाला वेरिएंट होगा. 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3400 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगा. और गाइस इसका जो प्राइस है वो आपको 20 या 25,000 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा. गाइस उसके बाद जो फोन आता है वह है गाइस Redmi 6 Pro, Redmi 6A एंड Redmi 6. गाइस मोनू कुमार जैन ने ट्विटर के ऊपर आप एक पोस्ट किया है, 6 लिखा है और उसके पीछे 3 फोन है जो कि 6A, 6 एंड 6 Pro है. और गाइस जो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाए हूँ, आप नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स इसके ऊपर मैं वीडियो बनाए हूँ. फिर भी मैं बोल देता हूँ जो 6 Pro है वो गाइस यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 625 के साथ देखने को मिलेगा जो कि Redmi Y2, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 4 में देखने को मिला था. सेम चिपसेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. काफी पुराना चिपसेट है लेकिन गाइस अच्छा चिपसेट है. और गाइस जो 6 है वो और 6 आपको यहाँ पे MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा. और गाइस ये पहला स्मार्टफोन है, पहला Xiaomi का पहला स्मार्टफोन है जहां पे आपको MediaTek का चिपसेट देखने को मिलता है. और इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाया हूं, आप देखना चाहते हो तो आई बटन में है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. गाइस हमारा उसके बाद जो फोन आता है वह है गाइस Moto One Power. रिसेंटली इंडिया में नहीं बाहर लॉन्च हो गया है. और गाइस काफी कमाल का स्मार्टफोन है. इंडिया में जब आएगा 15,000 रुपीस के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. नॉच वाला डिस्प्ले होगा. Qualcomm Snapdragon 660 के साथ आएगा. 4GB 64GB वाला वेरिएंट होगा. और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 12 प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा देखने को मिलेगा. काफी कमाल का स्मार्टफोन है. और गाइस आशा करता हूँ ये आपको सितंबर में इंडिया में देखने को मिल जाएगा. उसके बाद जो फोन है वो है गाइस Redmi Note 6 Pro. काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है जो कि Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर है. और गाइस ये आपको शायद देखने को मिले Qualcomm Snapdragon 710 या
सिक्स सिक्सटी के साथ देखने को मिल जाएगा शायद। उम्मीद करता हूँ आपको इस पल्सर के साथ देखने को मिल जाएगा। और गाइस कैमरा लगभग सेम होगा, फ्रंट कैमरा भी आपको सेम देखने को मिलेगा जो कि रेडमी नोट 5 प्रो में देखने को मिला था। और गाइस ये था कुछ स्मार्टफोन का लिस्ट, आपको क्या लगा और कौन सा स्मार्टफोन मैंने नहीं लिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप ये स्मार्टफोन नहीं लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और गाइस इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई आपके दोस्त ये फोन खरीदने जा रहे हो तो गाइस इसके कुछ फोन का लिस्ट उसको पता चले तो आप शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेक्नो फैमिली को। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय, खुश रहिए।